अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप कोलेनकाइमा। ठीक है, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया पेरेनकाइमा, तो आते हैं कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा पहला बार तो एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब इसमें मेन डिस्कशन में देखिए, ये लिविंग टिश्यू यानी कि इसमें सुबेरिन का लिग्निन का कोई डिपोजिशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट ये मैकेनिकल टिश्यू है। मैंने अलग लिखा लिविंग प्लस मैकेनिकल। मैकेनिकल टिश्यू क्यों है आई विल डिस्कस लेटर ऑन। दूसरा, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, ये दिख रहा है आपको, ये इलोंगेटेड सेल्स है जिनसे कि मिलकर कोलेनकाइमा टिश्यू बनता है। लोकलाइज डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, देखिए पेक्टिन का मेनली होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज भी थोड़े अमाउंट में रहेंगे, लेकिन मेनली क्या किसका डिपोजिशन होगा, पेक्टिन का। इंपॉर्टेंट है कि कहाँ डिपोजिशन होगा, लोकलाइज डिपोजिशन, वो भी होते हैं कहाँ पर, कॉर्नर्स पर। ठीक है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कॉर्नर जितने भी है ना, इस सेल के कॉर्नर, ये सब कॉर्नर है इसके, ये इसके कॉर्नर है, कॉर्नर पर आपका पेक्टिन हेमिसेलुलोज सेलुलोज का लोकलाइज डिपोजिशन होगा, लेकिन मेनली किसका होगा, पेक्टिन का। ठीक है, कॉर्नर्स पर डिपोजिशन होगा। ये देखिए, ये इसका मतलब मेन जो पार्ट क्या, देखिए ये था पहले पेरेनकाइमल टिश्यू था, ये पेरेनकाइमा टिश्यू था, उस पेरेनकाइमल टिश्यू के कॉर्नर्स पर डिपोजिशंस हो गए पेक्टिन के मेनली, तो उसी से बन गया कोलेनकाइमा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला था, पेरेनकाइमा टिश्यू सबसे पहले इवॉल्व टिश्यू था जिससे कि बाद में जाकर अदर टिश्यूज बने, यानी कि पेरेनकाइमा टिश्यू फंडामेंटल और प्रिकर्सर ऑफ द अदर टिश्यूज था। बस उसी बात को यहाँ मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ये पेरेनकाइमा सेल्स थे, पेरेनकाइमा टिश्यू के सेल्स थे, इस पर डिपोजिशंस हो गया पेक्टिन का मेनली, तो ये जाकर बनाया था कोलेनकाइमा। बात समझ में आ रही है, अब देख के बता सकते हैं, ये सेल और ये सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कुछ बचा गया नहीं। इंटरसेलुलर स्पेस कहते किसको है, दो सेल के बीच का स्पेस, ऐसे एक सेल रहता है और एक ऐसे सेल रहता है, तो दोनों के सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस, देखिए एक सेल दूसरे सेल के बीच में जो डायरेक्ट स्पेस कुछ खाली नहीं है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, यहाँ अब्सेंट है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसको आपको याद रखने से सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, लोकलाइज डिपोजिशंस होते हैं पेक्टिन का, फिर इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट है, सेल्स का टाइप कैसा, शेप कैसा, इलोंगेटेड टाइप का सेल्स है, ये आपको याद रहेंगे। दूसरा बात, हमने डिस्कस किया था कि पेरेनकाइमा यूनिवर्सल टिश्यू है, हर 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 पार्ट में पाया जाएगा, हर प्लांट में पाया जाएगा, यूनिवर्सल टिश्यू हर चीज़ में पाया जाएगा, लेकिन ये एक यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है। ये यूनिवर्सल टिश्यू क्यों नहीं है, ठीक है, ये यूनिवर्सल टिश्यू क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसका जो फंक्शंस है वो जनरलाइज फंक्शन नहीं है, मतलब हर ऐसा नहीं कि इसका जो ये जो फंक्शंस करेंगे वो जनरलाइज नहीं है। ये क्या क्या फंक्शन करेंगे वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यंग डाइकोट स्टेम में। यंग डाइकोट स्टेम में किस लेयर में, हाइपोडर्मिस में। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम इज फॉर्म फ्रॉम कोलेनकाइमा, ये मैंने डिस्कस किया है आपको, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम के बीच में जो डिफरेंसेस डिस्कस किया है स्टोरी बेस्ड, उसमें आप देखिए एक बार, उसमें आपको मिल जाएगा और याद भी हो जाएगा वहाँ दोनों का डिफरेंसेस। तो डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस लेयर में आपको क्या मिलेंगे, कोलेनकाइमा मिलेंगे। ठीक है, और किसी में नहीं मिलेंगे, मोनोकोट में नहीं मिलेगा, मोनोकोट में नहीं मिलेगा, इसलिए तो क्या बोल रहे हैं हम, नॉट ए यूनिवर्सल टिश्यू, ये यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है क्योंकि ये मोनोकोट में नहीं मिल रहा है भाइयों, मोनोकोट में नहीं मिल रहा है इसलिए ये यूनिवर्सल टिश्यू नहीं हो सकता। अगला आते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोलॉजिकल, जो सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका रीजन क्या है, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टोसेलुलोज। अभी मैंने बात की थी पेक्टिन का लोकलाइज डिपोजिशन है, पेक्टिन के साथ सेलुलोज हेमीसेलुलोज भी थोड़े अमाउंट में होता है लेकिन पेक्टिन मेल नहीं होता, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का नेचर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी को वो अपने तरफ खींचता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को अपने तरफ लाना। ठीक है, इसी कारण से अब पानी आया, पानी आने से क्या हुआ, उसका जो जहाँ भी प्रेजेंट होगा उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और इसीलिए सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल। ये रीजन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज पानी को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब चूंकि सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल है तो जहाँ जहाँ सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा प्रेजेंट होंगे वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खुद फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो डाइकोट स्टेम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होता है। डाइकोट स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या बताना है, देखिए डाइकोट स्टेम में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है और कोलेनकाइमा सेल्स जो है उसमें पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन होता है और पेक्टोसेलुलोज क्या आपका हाइड्रोफिलिक ही नेचर है तो पानी को अब्जॉर्ब करेगा जिसका फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, इसी के कारण डाइकोट स्टेम फ्लेक्सिबल होता है। ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ये बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन आते हैं ये वाला पार्ट। फिर आते हैं देखिए डाइकोट स्टेम में था, फिर आपको मार्जिन ऑफ लीफ लेमिना
और पेटियोल ऑफ द लिप्स में भी मिलेगा, ये मार्जिन जो लिप्स के जो मार्जिन होते हैं वहाँ भी मिलेगा आपको, फिर पेटियोल में भी मिलेगा, वहाँ भी काम क्या करेगा, ये फ्लेक्सिबल नेचर ही होगा, तो उस पेटियोल को और मार्जिन ऑफ लिप को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसलिए देखिए आप, जब हवा बहता है, एक्शन ऑफ विंड आएगा, हवा बहेगा तो जो मार्जिन ऑफ लिप है उस पर हवा जाकर टकराता है, लेकिन वो मार्जिन ऑफ लिप फटता नहीं है या पेटियोल टूटता नहीं है। एक बैग यदि फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या होता है, वो हिलता रहेगा, थोड़ा देर हवा आया पेटियोल हिलेगा ऐसे ऐसे करके, फिर शांत हो जाएगा। यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता तो क्या होता है, एक बार में टूट के गिर जाता है वो लिप, ठीक है। इसलिए पेटियोल ऑफ लिप्स में, अच्छा मार्जिन ऑफ लिप लेना मतलब लिप फटेगा भी नहीं, हवा आता तो है सारा लिप फट जाते हैं, नहीं लिप नहीं फटते, क्यों नहीं फटते, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में, वो थोड़ा सा हवा के साथ हिलेंगे और फिर ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। मार्जिन ऑफ लिप लेमिना और पेटियोल ऑफ लिप्स के साथ ऐसा है, क्यों, क्योंकि इसमें भी कोलन कैमा पाया जाता है, जहाँ जहाँ कोलन कैमा पाया जाएगा वहाँ वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, जहाँ जहाँ कोलन कैमा पाया जाएगा वहाँ वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। और अब देखिए फ्लेक्सिबल चीज़ जल्दी नहीं टूटता है, आप देखिए रबर को खींचिए, रबर जल्दी नहीं टूटेगा क्योंकि फ्लेक्सिबल है, आप खींचिए फिर अपने आप नॉर्मल अपने पोजिशन पर आ जाएगा, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ता है वहाँ। अब आते इसके फंक्शंस में मैकेनिकल फंक्शंस डिस्कस कर लिए हम, कि मार्जिन ऑफ लिप लेमिना और पेटियोल्स ऑफ लिप को बचाता है, फिर यहाँ इसको डाइकोट स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक और फंक्शन इसका बायोलॉजिकल, मतलब कोलन कैमा के दो फंक्शन है मेनली, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फंक्शन में क्या है, क्योंकि कोलन कैमा जो टिश्यू है उसमें जो सेल्स है, हर सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो यानी कि क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल रोल हो गया। तो देखिए आप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए कोलन कैमा को क्या बोल रहे हैं हम, कि वो एक बायोलॉजिकल रोल भी प्ले कर रहा है फोटोसिंथेसिस करके, फूड बनाना प्लांट के लिए, ठीक है।